नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। तो दोस्तों, आसूस ने लॉन्च कर दिया है इंडिया में आसूस जेन फोन मैक्स प्रो M2 को, और काफ़ी अच्छे प्राइस में ये फोन लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छे फीचर भी इस फोन में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये फोन आने वाले दिनों में इंडिया में काफ़ी कमाल धमाल मचाने वाला है, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल कमाल मचाने वाला है। और लगभग इसी प्राइस में एक और फोन इंडिया में कमाल मचा रहा है, वो है आपका Xiaomi का Redmi Note 6 Pro। जी दोस्तों, ये भी फ़ोन काफ़ी इंडिया में बिक रहा है और काफ़ी लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लिया जाए। क्या आसूस के जेन फोन मैक्स प्रो M2 को लिया जाए या Redmi Note 6 Pro को लिया जाए। तो आज की वीडियो में दोनों फोन का कंपैरिजन करूँगा और बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन की डिस्प्ले की। तो आसूस जेन फोन मैक्स प्रो M2 में आपको 6.26 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इस फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही इसमें आपको डिस्प्ले में सिंपल सनोस भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं Redmi Note 6 Pro में, तो इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.26 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन इसमें आपको एक बड़ा सनोस देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा की। तो आसूस के फोन में और Redmi Note 6 Pro के फोन में, दोनों ही फोन में बैक कैमरा आपको 12+5 MP का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Redmi Note 6 Pro में 20+2 MP का डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं आसूस के फोन में आपको मिलेगा 13 MP का फ्रंट कैमरा। तो कह सकते हैं कि फ्रंट कैमरा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा Redmi के Note 6 Pro में। बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की। तो तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे आसूस के फोन में, जो कि पहला वेरियंट रहेगा आपका 3GB RAM 32GB मेमोरी, सेकंड जो वेरियंट रहेगा आपका 4GB RAM 64GB मेमोरी, तीसरा जो वेरियंट रहेगा 6GB RAM और 64GB मेमोरी। बात करते हैं Redmi Note 6 Pro की, तो यहाँ पे इसमें भी दो वेरियंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरियंट रहेगा आपका 4GB RAM 64GB मेमोरी, और दूसरा जो वेरियंट रहेगा आपका 6GB RAM और 64GB मेमोरी। बात करते हैं दोनों फोन की प्रोसेसर की। तो आसूस के जेन फोन मैक्स प्रो M2 में देखने को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, वहीं Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा क्वालकॉम का ही स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर। तो दोनों फोन का प्रोसेसर तो सही है, लेकिन आपका अच्छा देखने को मिलेगा आसूस के फोन में। वहीं बात करते हैं दोनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की। तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे काम करेंगे, हालांकि आसूस का जेन फोन मैक्स प्रो जो M2 सेट है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड पर ये फोन चलेगा। बात करते हैं दोनों फोन की बैटरी की। तो आसूस के फोन में आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा आपको 4000 mAh की बैटरी। तो दोनों फोन की बैटरी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी आसूस के इस फोन में। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अब मेन बात करते हैं दोनों फोन की प्राइस की। तो आसूस का जो पहला वेरियंट है 3GB और 32GB का प्राइस रखा गया 12,990 रुपया, जो दूसरा वेरियंट है 4GB 64GB का प्राइस रखा गया 14,990 रुपया, और जो तीसरा वेरियंट है इसका प्राइस रखा गया है आपका 16,990 रुपया। वहीं Redmi Note 6 Pro की प्राइस की बात करें, तो जो पहला वेरियंट है 4GB 64GB का प्राइस रखा गया है 13,990 रुपया, और जो दूसरा वेरियंट है 6GB 64GB का प्राइस रखा गया है 15,990 रुपया। अब मेन बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है, कौन सा फोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों फोन की डिस्प्ले लगभग सेम है, प्रोसेसर आपका अच्छा देखने को मिलेगा आसूस के फोन में, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा आसूस के फोन में, बैटरी भी आपको ज़्यादा मिलेगी आसूस के इस फोन में, और एक बात कह सकते हैं कि जो बड़ा नोच आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा, और इस फोन में आपको सिंपल सा नोच देखने को मिलेगा आसूस के फोन में। तो हर तरह से आसूस का फोन अच्छा रहेगा, यहाँ पे आप आराम से आसूस का फोन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्फी वाला फोन चाहिए, तो आप आराम से Redmi Note 6 Pro को ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा फोन है। वैसे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा यही बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्मार्टफोन की सबसे पहले अपडेट लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।